बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, जो कि हम हर रोज़ आपके सामने पेश करते हैं। वर्ल्ड कप जो T20 का चल रहा है UAE में, उसके हिसाब से ये प्रोग्राम है। 17 तारीख से शुरू हुआ था और अभी तक जारी उसारी है, और इंशाल्लाह जारी उसारी रहेगा जब तक वर्ल्ड कप जारी उसारी है। कल का मुकाबला बड़ा मुकाबला था, पाकिस्तान ने हराया अफगानिस्तान को। बमुश्किल ऐसा मौका आ गया था कि पाकिस्तान की के लिए सिचुएशन मुश्किल हो गई थी, लेकिन आसिफ अली ने क्या कमाल किया जी। 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए उन्होंने, एक ही ओवर में 4 छक्के लगा के मैच को ख़त्म किया। आसिफ अली पर भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन अभी जो मैच चल रहा है, जो आधा हुआ है अभी, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका ने जो टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को, वो है 143 रन का। श्रीलंका ने बनाया 142 रन। सबरेश शमसी ने 3 खिलाड़ी आउट किए और प्रिटोरियस ने 3 विकेटें हासिल की। साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त अभी तक की जो इतला है उसके हिसाब से 2 विकेटें गंवा चुकी है, और उसके अलावा 28 रन बना चुकी है। और साउथ अफ्रीका के अलावा जो आज दूसरा मुकाबला होगा वो बड़ा मैच है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो उस मुकाबले पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ चैंपियन सेलेक्टर हैं शोएब मोहम्मद साहब। शोएब मोहम्मद साहब जो है ना, मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी बात बताते हैं अपने बारे में, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। आज भी एक बात है जो आपसे प्रोग्राम के दौरान मैं शेयर करूँगा। शोएब भाई, कैसे मिजाज है, खैरियत? अल्लाह शुक्र आसिफ भाई, एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बड़े खुश हैं आज आप। देखिए, कल जो बात हम कर रहे थे, मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीता तो बहुत मुश्किलों से जीतेगा बिफोर द गेम स्टार्टेड। और उसके रीज़न ये थे कि उन्होंने एक तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया अफगानिस्तान ने टू बैट फर्स्ट, इसलिए कि पाकिस्तान को वो सिर्फ वॉक डाउन, अगर वो 200 रन कर जाते पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, टॉस जीतने के बाद उनको अगर दावत दे देता अफगानिस्तान, तो फिर ये फंस जाते, इसलिए कि इनके पास इनकी डेप्थ नहीं है। तो बॉलिंग इनका मेन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ उन्होंने वो फर्स्ट डिसीजन करेक्ट लिया। लेकिन इमेच्योरिटी शो ये की कि उन्होंने 6 ओवर के अंदर अपनी 4 विकेटें खो दी, और वहाँ उनको इतना बड़ा डेंट पड़ा कि वो वहाँ, इसलिए कि हर शॉट जो मार रहे हैं वो एयरबॉर्न शॉट मारे जा रहे थे, और उसमें वो इत्तेफाक़ की बात है, जो कोशिश कर रहे थे वो आउट होते चले गए। और फिर पाकिस्तान ने ऑफकोर्स जिस तरह स्टार्टअप लिया, वो सारा सब कुछ था, दे केम विद अ पर्पस, नॉट लूजिंग विकेट अगेंस्ट मुजीबुर रहमान। वो सिर्फ उसको टॉप एज लगी, एक स्वीप शॉट नॉर्मल शॉट था, उसके ऊपर एज लगी, वरना ऐसा नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती कोई शॉट नहीं खेला गया था। उस पर 1 विकेट गिरी 6 ओवर के अंदर, लेकिन फिर वहाँ से पाकिस्तान ने अपने आप को काफ़ी अच्छा आगे लेते चले गए। उन्होंने भी, अफगानिस्तान ने भी 100 रन 15.4 ओवर में किए, पाकिस्तान ने 14.5 ओवर में 100 रन क्रॉस किया, लेकिन द बेस्ट पार्ट वॉज दे हैड विकेट्स इन हैंड, और वहाँ उनको रे ऑफ होप ऑफकोर्स थी। फिर शोएब मलिक वॉज डाउन द ऑर्डर, फिर आसिफ अली थे, और लेकिन बाबर जिस तरह बहुत अच्छी इनिंग खेले, लेकिन बहुत ही, मैं खास तौर से बात करूँगा बाबर, हाँ उसके ऊपर वो आउट हुए बाबर जी, उनके स्टैचर के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से वो कैसा शॉट था उनका? वो बिल्कुल नीड ऑफ द आर तो बिल्कुल भी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कोई एक देखें, ये चीज़ इतना जब यही तो प्रेशर होता है, ये जो हम बात करते हैं कंट्रोल और कंट्रोलिंग द माइंड सेट, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है। और उन्होंने 11 या 12 रन बन गए थे उस ओवर के अंदर। लास्ट बॉल ऑफ राशिद थी, उसको तो वो, इसलिए कि वो उसके ऊपर एक विकेट देने की भी ज़रूरत नहीं थी, 11 रन ऑलरेडी बन चुके थे और या 12 रन बन चुके थे, और वहाँ उसने विकेट अपनी थ्रो करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान, जब तक बाबर थे ऐसा लग रहा था दूसरे आउट हो रहे हैं, लेकिन अरे बाबर तो है, बाबर तो है, ये खेल लेगा, बड़े हिट भी मारता है सारा। लेकिन अगेंस्ट वीकर बॉलर्स, आपको मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपसे 2-3 बातें ये करता रहा हूँ, यू गॉट टू लुक फॉर द राइट स्पॉट ऑफ द ग्राउंड, एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट द सेम, लेंथ वाइज भी, और जो एयर का जो प्रेशर होता है वो भी बॉल को आगे ले जाने, और देर इज़ ऑलवेज अ ग्राउंड, इनफैक्ट एवरी ग्राउंड के ऊपर देर इज़ अ कॉर्नर वेयर
फ्री हिट्स आर हिट एवरी नाउ एंड देन, वहां से आसानी होती है बैट्समैन को, उसके रीजन होते हैं। क्या वजह, क्या रीजन होते हैं? मैंने बताया ना कि एक तो ये होता है कि शॉर्टर बाउंड्री अगर है तो आप वहाँ लुक करें, अगर वो अगर मिस हिट भी हुई तो चांसेस हैं कि छक्का हो जाए, इसलिए वहाँ उस शॉर्टर एरियाज में लोग मारा करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर जो एयर का जो डायरेक्शन होता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब आप हिट मारते हैं तो बॉल कैरी ज़्यादा कराती है, वरना अगर अगेंस्ट द विंड मारें तो बॉल यूँ जाके ऊपर थोड़ी देर ठहर सी जाती है, जैसे कि उसके प्रेशर से जो 3 फीट इधर गिरना है बॉल ने वो अंदर की तरफ गिरता है, एयर प्रेशर से बॉल के डायरेक्शन में फ़र्क होता है, डिपेंड करता है कि एलिवेशन कैसी है, बहुत ऊपर गया है, फ्लैटर है, फ्लैट के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना थोड़ा एयर बॉर्न शॉट यूँ मारें और हवा में चले, जितनी देर हवा में रहेगा उतना प्रेशर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और वो अंदर की तरफ गिरने लग जाएगा। फिर आपको यू गॉट टू पिक द राइट बॉलर ऑल्सो, दुनिया का बेस्ट बॉलर है उसके अगेंस्ट आप तुरम खां बन के 6 छक्के तो नहीं मार सकते, मार सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे तो आप विकेट भी लूज कर सकते हैं। तो बाबर की जो विकेट अनकॉल्ड फॉर थी और वहाँ से प्रेशर आया, वहाँ से शुएब मलिक ने एक बहुत अच्छा सीधा छक्का मारा और थोड़ा सा रिवॉल्व की स्ट्राइक, हफीज़ आए उससे पहले आए थे 10 बॉलों में 10 रन उन्होंने किए, लेकिन हफीज़ भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा बस मार गए वो शॉट, उस वक्त करेक्ट जगह पे मारते तो शायद ही वुड हैव गॉट अवे विद इट, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ हाफ हार्टेड शॉट सा नज़र आया, लेकिन इसी के ये दोनों इम्पोर्टेंट विकेट थे। लेकिन आसिफ अली, हम मैच देख रहे थे और हमारे साथ कुछ एक दो टेस्ट प्लेयर भी बैठे हुए थे, तो मैंने ये कहा कि अगर ये लास्ट ओवर, उस वक्त स्क्रीन पे ना आ नहीं रहा था कि कौन बॉल करेगा, उस पर कुछ ऐड नहीं कुछ वो स्कोर कार्ड या इस किस्म की चीज़ थी, तो मैंने कहा अगर ये जन्नत करीम जन्नत जो है उनके जो बॉलर जिन्होंने फिनिश किया लास्ट ओवर, मैंने कहा अगर ये बॉल करेगा तो एक ही ओवर में ये 24 रन हो जाएंगे, इसलिए कि उसने आसिफ ने वो लास्ट रन नहीं लिया है पर्पजली, इट वॉज अ क्लियर कट रन सिंगल, सेकेंड जो ओवर था उसमें एक रन जो शादाब भागे लेकिन उन्होंने नो कर दिया, इसलिए कि ही वॉन्टेड टू हैव द स्ट्राइक और उस एंड से उनको कमांड थी और इसलिए उन्होंने ये देखें कि क्लासिक शॉट मारे और पूरा जम के मारे, कोई ऐसे आधी हिट नहीं मारी, पाकिस्तान को जिताया, बड़ी बहुत मजा आया। करीम जन्नत के ओवर में बड़ी बहुत क्लीन हिटिंग थी आसिफ की, खैर उस पर भी हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान की वीकनेसेस जो भाई ने जिस तरह से कहा नज़र आई हैं, जो कि बड़े मुकाबले में बड़े प्लेयर्स के सामने शायद पाकिस्तान को इतनी आसानी से निकल लेना दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। ये मुकाबला जारी है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का और इस वक्त की पोजीशन आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जल्द ही विकटें गंवा चुकी है और 143 रन का हदफ की तलाश में है साउथ अफ्रीका। शुएब भाई, अभी हम पाकिस्तान पे ही बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम को क्या चीज़ अभी भी इस मैच से सीखनी है, पाकिस्तान के बैट्समैन को, पाकिस्तान के बॉलर्स को? जीत तो गए आप, देखिए हसन अली अमंग द विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, उसके जो पार्टनर्स हैं, साथी हैं, वो तमाम लोग अमंग द हाइलाइटेड प्लेयर्स में से हैं, ही इज गेटिंग ईगर टू गेट विकेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एफर्ट या बीच में जो थोड़ी सी जो कल लूज बॉल नज़र आई उनकी तरफ से, हाँ, शॉर्ट पिच की ज़रूरत नहीं थी, टांग के ऊपर गेंद कराना, ये शो करता है कि ही इज डेस्परेट टू गेट विकेट्स। T20 के अंदर या एक तो बॉलिंग होती है कि जी बिल्कुल कंटेन करके आउट नहीं करने की बॉल, मतलब रन ना हो, बस ऐसी बॉलिंग हो, और एक होती है कि वेयर यू वांट टू बाय विकेट्स एट द सेम टाइम। तो मेरा मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ड्यू टू हिज ईगरनेस डेस्परेशन वो थोड़ा सा बाय विकेट करने के लिए वो वाली बॉल्स भी उन्होंने की कि जहाँ उनको विकेट मिल सके, लेकिन उसके अलावा देखें फील्डिंग बहुत अच्छी नज़र आई है हमारे कैंप के अंदर,
उन्होंने बहुत ज़्यादा, अफगानिस्तान ने तो मिस फील्ड वगैरह भी की और कुछ हाफ चांस भी उन्होंने मिस किए, बल्कि एक एंड ओवर्स के अंदर कैच भी बैकवर्ड पॉइंट से बाबर का कैच छूटा, वो फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा किसी के, एक आध दो बॉल के बाद वो आउट भी हो गए वापस बाबर बोल्ड। लेकिन पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो अच्छा है, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, और जिस तरह नेचुरली बाबर से गलती, देखें गलती इसलिए कि इतने हर मैच में ऑप्टिमम प्रेशर एक बैट्समैन को देंगे तो ही इज़ बाउंड टू यू नो मेक मिस्टेक्स। और उन्होंने लेकिन जो 50 रन किए उसको क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, लेकिन वही 50 रन आपको बैकफायर कर सकते थे अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैम्बॉयंस और इतनी बोल के वो कह सकते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज सीकिंग अर्थ वाली बात हो जाती है कि जैसे एक बज ऊपर से आसमान की तरफ से करके जो होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, वो अपना आसिफ के बल्ले के थ्रू वो बॉलों को जिस तरह ऐसा रोज रोज देखने में आया, ऐसा कभी कभार होगा, जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन ये कहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा रिमेंबर द नेम। तो बात ये है, ये बात भी मैं करता चलूँ कि पीसीबी ने ये जारी किया, आसिफ अली को कहते हमने सुना, वो कह रहे हैं रिमेंबर द नेम, तो ये चीज़ ठीक है, इस तरह से जीत को सेलिब्रेट करने के भी अंदाज होते हैं, तो ये ठीक है। देखिए अभी इट वॉज टू अर्ली, उसको अगर खुद कह दिया उसने, जो कि अनलाइकली है कि वो इतना वो ब्रेथ वेट के जो छक्कों के ऊपर एन बिशप ने कहा था रिमेंबर द नेम, वो स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर वो बात की गई थी, अब उसको आगे कैरी ऑन कराना, इसलिए कि एक बैट्समैन के लिए एक कम रन्स वाली इनिंग इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, यू नेवर नो, इट कुड बी द नेक्स्ट वन और द वन आफ्टर, इसी के बैट्समैन ज़्यादा आपको पता है वन बॉल गेम होता है, बॉलर ये होता है कि बार बार उसको चांस होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप टूर्नामेंट जीते हैं उसके बाद एक हेल्दी जेस्चर दें। मैंने तो आपको कहा था इंडिया से भी जीतने के बाद और चाहे वो न्यूजीलैंड से भी जीतने के बाद आप अपने कंपोजर में रहें, लेकिन वो कंपोजर ऑन द फील्ड आसिफ ने कल जो शो किया बहुत ही पॉइस किस्म का, कोई ऐसे हुहा टाइप का कोई जेस्चर्स नहीं थे, और उन्होंने मैच्योरिटी शो की ऑन द फील्ड, ही वाज ऑलमोस्ट एक्सप्रेशनलेस, तो दैट मींस ही मींस बिजनेस, और जब उसको कॉन्फिडेंस कमांड अपने ऊपर जो थी कंपोजर नज़र आया, इवन वो छक्के मारने के बाद वो क्रेडिट देना पड़ेगा, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा मोमेंट था उनकी उस इनिंग का जो उन्होंने खेलने के बाद शो की ग्राउंड फील्ड के अंदर, कोई ऐसे जेस्चर, कोई हाथों के जेस्चर्स नहीं, जेस्चर उन्होंने दिया तो था वो शायद वो एक अपने टीम मेंबर्स को कहा था कि टीम मेंबर्स की तरफ पॉइंट आउट करके हमारी टीम के कि भाई देखो ये मैंने कर दिखाया, वो एक छोटा सा एक ज़रूर आए थे कि बड़ी विन थी विच लुक वेरी ब्लीक एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, बहुत लग रहा था कि कोई ये मैच ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का कहना ये था, और उनकी बहुत वीक बॉलिंग जो है जो करीम की तरफ से जो लास्ट ओवर उन्होंने किया वो बहुत ही सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक उनकी बॉलिंग का वही था, और उसके ऊपर मुझे तो अंदाज़ा ये होता है कि शायद उसको आई डोंट नो कोई ज़बरदस्ती वहाँ पॉलिटिकल सीन की वजह से इन्फ्यूज़ किया गया इस टीम के अंदर, बट ऑल सेड एंड डन इट वॉज़ अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, कमांड और जो सेल्फ मोरल जो है उनकी टीम के अंदर ऑफ विनिंग स्ट्रीक का जो है वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट भी ऐसी चीज़ होती है कि हाँ जी आज आप आउट हो गए तो मैं करूँगा, मैं नहीं तो तीसरा आदमी भी है हमारे पास, चौथा भी है, पाँचवा भी है, तो ये जो कैंप के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट। अफगानिस्तान की टीम में आपको क्या कमी नज़र आई? फास्ट बॉलर, मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर कम से कम जेन्युइन फास्ट बॉलर इनके पास होना चाहिए। देखिए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका बहुत उसमें जगह है, वैक्यूम है, वॉइड है,
आना चाहिए उनके पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर, ताकि अब आप हमेशा लेकिन कम रन्स करके उस बॉलिंग को टास्क के ऊपर रख दें। अच्छा, कि तो इस तरह आप कोई मैच तो जीतेंगे लेकिन टूर्नामेंट्स नहीं। अच्छा, ये चीज़ होती है, आप कोई मैच ऐसा किसी अच्छी टीम से भी जीत जाएंगे, इसलिए कि आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है जिस तरह स्पिनर्स हैं, लेकिन तीसरा भी नबी भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं, रीजनेबली उनको अच्छे आप कमांड है अपनी बॉलिंग पे, विकेट टेकिंग है, रन्स भी कंटेन कर लेते हैं। मुजीब ने 14 रन्स दिए सिर्फ, 14 जो हम बार बार पहले दिन जब ये टूर्नामेंट हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ उस दिन पहले दिन से हमने यही बात की कि मुजीब ऐसे बॉलर हैं, तो उन्होंने शो भी किया। और लेकिन उनके जो पास बैट्समैन का जो माइंड सेट है, सिर्फ जिस तरह 6 ओवर के अंदर 4 विकेटें जब आपकी आउट हो जाएंगी और वही आपके स्ट्राइक प्लेयर्स हैं, तो फिर पीछे वालों से बड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी, जो बैट्समैन जो अच्छा एक दो खेले, नबी थे, नबी गुलबदीन थे, हाँ उनके अलावा एक और प्लेयर थे उनके बड़ा अच्छा खेले, गुलबदीन, हाँ बहुत अच्छा गुलबदीन बॉलिंग भी करते हैं, गुलबदीन को बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके अलावा मुजीबुर रहमान के सारे ओवर्स शुरू में ख़त्म हो गए, कैलकुलेशन की भी कहीं मिस्टेक ऐसा लगा नबी की तरफ से हुई नहीं, उन्होंने बॉलिंग अपनी बहुत अच्छी रोटेट की, लेकिन दे हैड टू बॉल दिस लास्ट सेकेंड लास्ट ओवर थ्रू करीम प्रॉब्ली, दे डेंट हैड एनी, इसलिए स्पिनर्स के ऊपर ये होता है ना, फास्ट बॉलर के ऊपर इसलिए थोड़ा डिपेंडेंट थे, लेकिन उनके शॉन टेट उनके मेरे ख्याल से वो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं या कोच हैं, और उनकी भी स्ट्रेंथ, वो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर्स में से उनका नाम आता है, ही वॉज वेरी लीथल एट वन मोमेंट ऑफ टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया, और उनकी जो यॉर्कर्स थी वो अमेजिंग, इसी की स्पीड हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, यॉर्कर जब अफेक्टिव होती है जब आपके पास स्पीड भी हो एंड राइट लेंथ और लाइन के ऊपर आप बचते हैं, विकेट लेते हैं, बैट्समैन को प्रेशर में डालते हैं। बात ये कि उन्होंने वो चीज़ उनको सिखाई, उन्होंने आसिफ ने 2 बॉलें मिस भी की आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पर्पजली आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर्स, लेकिन उसके लिए नेचुरली अगेन वही बात है कि उसका हल क्या है, तोड़ क्या है, तो वो जंप आउट करके वो पहले से स्टांस अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करके पहले राइट मूवमेंट और फिर अपने आप को बेस को स्ट्रॉन्ग किया और वहाँ से उन्होंने लेग पे मारा, सीधा मारा और वहीं से ऑफ पे बॉल थी, तो इसलिए कि वो वन ट्रैक बॉल कर रहे थे, कोशिश उनकी ये थी कि मैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर्स करूँ, ये उसको गिवन टास्क दिया गया था जो उसकी बॉलिंग से रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो समझ आ रही थी देखने में कि ये चीज़ें उसको कही गई हैं। चलें अब इस मैच पे बहुत बात हो गई शोएब भाई, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आपके बारे में आज भी मैं बात बताऊंगा। हाँ। आपको मैं लिखते हुए देखता हूँ, आप लेफ्ट हैंडेड हैं, आप बॉलिंग करते थे राइट हैंडेड, अच्छा। बैटिंग करते थे आप राइट हैंडेड, थ्रो आप करते थे राइट हैंडेड, आपके वालिद साहब द ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब, उनमें भी लेफ्ट और राइट का इस तरह का सिलसिला था, ये क्या है? ये वो कहते हैं ना, इट्स मोर फन टू वॉच देम राइट, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए ये कहा जाता है ये लाइन। तो बात किसी हद तक सही भी है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जब खेलते हुए नज़र आता है उसका स्ट्रोक और प्ले और एक राइट हैंडर का, तो लेफ्ट हैंडर का कुछ ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है, या तो वो कम होते हैं दुनिया में, एक तो ये होता है और इसी के उसका स्टाइल टोटली डिफरेंट हो जाए, जैसे लारा की। आप लेफ्ट से लिखते हैं क्या? हाँ। क्या और करते हैं लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से मैं पहले टेबल टेनिस, इसलिए कि बॉल गेम है, बॉल के ऊपर फोकस करना। जब डैडी वेस्ट इंडीज गए थे तो उन्होंने बताया था बॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, आई ऑन द बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए वो टेबल टेनिस बहुत खेला करते थे, तो आई इसलिए आपको ऑल द टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ बॉल, मे इट बी अ क्रिकेट वन और अ टेबल टेनिस वन, तो वो उसके ऊपर, वो तो खैर राइट से खेलते थे, लेकिन मेरी आदत भी हुई जब टेबल टेनिस बहुत शुरू में खेलना शुरू किया तो मैं लेफ्ट हैंड से, फुटबॉल भी बहुत खेली थी कि स्पोर्ट्स में सारी फुटबॉल भी लेफ्ट फुटेड, तो लेफ्ट से किक होती थी और स्कॉश राइट से, तो पता नहीं कुछ क्या मिक्सचर था। और हनीफ साहब भी बॉलिंग भी करते थे, इसका एक रीज़न एडवांटेज मुझे ये भी मिला कि बहुत से जो मेरे कैचेज हैं वन हैंडेड, मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन आप दोनों हाथ से प्रैक्टिस करेंगे दोनों हाथ उतने ही मजबूत होंगे, लेकिन ये कि आपको उतनी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। चाहिए जी हनीफ साहब का, उन्होंने एक विकेट लेकिन जो ली है
जो एक टेस्ट विकेट है वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग से की है और वो विकेट मिली, और वैसे वो राइट आर्म ऑफ स्पिन किया क्या गया। बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। हनीफ मोहम्मद साहब का खानदान जो है ना वो अभी तक क्रिकेट की दुनिया में तारीख रकम कर रहा है। मैं स्वीप शॉट जो है 1969 में टेस्ट मैच में 1969 में डैडी ने ढाका में खेला था। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। श्रीलंका वर्सेज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टीम ने विकटें गंवाई थी अपनी। मैं लेटेस्ट अपडेट आपसे लेकर प्रोडक्शन टीम से मैं कहूँगा लेटेस्ट अपडेट क्या है भाई मैच की, वो मुझे बता दें ताकि मैं नाज़रीन को अपडेट कर दूँ। पाक एक और मुकाबला होना है आज 67 for 3 नाउ और द टारगेट इज़ 148 और 12वें ओवर का खेल 143 इज़ द टारगेट और 12वें ओवर का खेल जारी है। बबूमा खेल रहे हैं 18 रन पे और मकरम खेल रहे हैं 9 रन पे। तो ये बबूमा कैप्टन भी हैं उनके, कैप्टन भी हैं ये इनके जी। तो साउथ अफ्रीका की टीम भी ज़रा मुश्किलात में आई थी अभी, इनके जो डी कॉक हैं उन्होंने वो जो नी कर रहे हैं, जो ब्लैक लाइफ मैटर्स एक सिलसिला चला हुआ उस पर शायद उन्होंने रिफ्यूज़ किया था जी। तो खैर ये कुछ और टॉपिक है। इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया आज शाम में मुकाबला होगा, बड़ा मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया भी जीता हुआ है, इंग्लैंड भी जीता हुआ है, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? वही उसी तरह का मैच है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कुछ राइवलरी भी है और दोनों टीमें बहुत स्ट्रेचर की हैं, बहुत वेट रखती हैं दोनों टीमों के पास। 1-1 मैन जब आप कंपैरिजन करें तो भी उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वेटेज है और बहुत अच्छा मुकाबला देखने में आएगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास उनके वार्नर और फिंच और स्मिथ भी अब आ गए हुए हैं और फॉर्म में ही, जब भी खेलते हैं वो फॉर्म में ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनके 7 नंबर का बैट्समैन दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नेचुरली अपने कंट्रोलिंग द माइंडसेट और मेहनत और ये तमाम चीज़ें, लेकिन और इंग्लैंड उनको पता है कि हम कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड कप भी जीते, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत विंस उस कॉन्फिडेंस को लेके आगे भी बहुत उन्होंने अपना लोहा मनवाया कह सकते हैं आप, और उनके पास बेताशा अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनली इंग्लैंड खेलते हैं, जो स्क्रिप्टेड होता है वो अप्लाई करते हैं उनके प्लेयर्स। बेस्टो मुझे बहुत पसंद है उनकी बैटिंग, और लेकिन थोड़ा सा अगर आप पूछेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा एज लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को थोड़ा, मेरी नज़र में थोड़ा से एडिट एज है, मे बी 5% एक्स्ट्रा, तो जो कि ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों टीमें मोर और लेस काफ़ी बैलेंस्ड हैं और अब इस तरह के मैच में क्या होता है, इस तरह के मैच में ये होता है कि कौन सा स्टार्ट कौन ज़्यादा अच्छा ले ले, इस किस्म की चीज़ें। कोई अगर विकटें ना गिरे और एक टीम बैटिंग में स्कोर कर ले तो वो फिर पूरे मैच में चांसेस होता है कि डोमिनेशन उनकी नज़र आए, वेयर एज अगर विकटें ले लें दूसरी जो बॉलिंग साइड है तो फिर वो वहाँ से अपना पावर शो करती हैं, और फिर अगर कम स्कोर में करें तो वो उनके बॉडी लैंग्वेज। कम स्कोर क्या है यहाँ पे, जो आपने पहले कहा था कि 140-150 इज़ अ गुड स्कोर है जो हाँ ये इस ग्राउंड के ऊपर देखें ज़्यादातर टीमें इसी किस्म का स्कोर कर रही हैं, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड 140 मार्क, और उसके अंदर कोई जो एक्स्ट्रा कोई करेगा तो 155 या ऐसा कुछ करेगा या 160 तक के शॉट्स लग सकते हैं। खेलने को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, कल के मैच में भी हमने यही बात की थी कि 160 ऑड रन्स का मैच होगा, जो मेरे ख्याल से जो वेस्ट नहीं कौन सा मैच था कल, वेस्ट इंडीज़ का मैच बांग्लादेश वेस्ट, हाँ बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का, तो 155 उन्होंने वो भी ये लगभग यही स्कोर था, वो उस पर जीत गए थे। हाँ तो वही तो 160 का बोला था, 155 के करीब वो हुआ स्कोर। तो मेरा मतलब है कि ये दोनों टीमें लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं, और तो 140 से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर नज़र आ रहा है इस मैच के अंदर, अनटिलस के बिल्कुल फंस जाए, वरना ये 155 का मैच मुझे नज़र आ रहा है। क्विकली हम कल की बात भी कर रहे थे, कल एक बड़ा अहम मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया को एक हफ्ते के बाद खेलेगा इंडिया,
और न्यूजीलैंड इंडिया दोनों ही पोजीशन उनकी भी दोनों ही मैचेस हार चुके हैं अपने बिल्कुल लेकिन मेरा अंदाजा है कि इंडिया की टीम को ये जो ब्रीदर मिला है वो उनके फेवर में जाएगा, इससे कि इतनी बड़ी हार के बाद ब्रीदर के बाद जब आएंगे तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आएंगे। हम भी ब्रीदर लेते हैं एक, और आज आपसे ज़्यादा चाहते हैं, आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, इस वक्त मैच चल रहा है, सनसनीखेज भी हो सकता है ये मुकाबला, ये देखेंगे क्या होता है। कल का मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड का, और आज शाम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी रिवायती हरीफ माने जाते हैं एशेज की वजह से, और दूसरी जो इनकी राइवलरी है उसकी हिस्ट्री है, उस पर भी हम बात करेंगे। हम आपको शाम में फिर ज्वाइन करेंगे रात 11 बजे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।